कोड आवाज आपण ऐकलात चला आपण बोलूया मैदानाच्या आतमध्ये जिथे दोन संघांमध्ये जबरदस्त कडविल लढत सुरू आहे एका साईडने आपण पाहू शकतोय ता वीर तानाजी पारगाव तर दुसऱ्या साईडने एस आर टी मनोर असे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये आदरणीय अल्पेत्यांना मी विनंती करतोय कृपया करून आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थानपन्न होण्याची कृपा करावी चाफेवाडी चषक दोन हजार बावीस आपलं सहर्ष स्वागत करू इच्छिते आगतम स्वागतम सुस्वागतम आकाश फलंदाजी मार्कवर पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचण्यामध्ये यशस्वी झालाय पुन्हा एकदा गोलंदाज मानस ऑन जबरदस्त खेचून मारलाय आउट ऑफ द पार्क डीज आहे धन्यवाद डी जय दहा दहावा फुलकावरती आपण पाहू शकताय तर दोन चेंडूंचा खेळ समाप्ती अखेर झाला आहे आणि दोन चेंडूंच्या समाप्ती अखेर तब्बल दहा दहावा या स्कोअर कार्डवरती पाहायला मिळत आहेत तर पाचशेच्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करतोय मिस्टर आकाश तरेल आपण पाहतोय पारका संघाचा एक अत्यंत विस्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखला गेला आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज मिस्टर मानस आपला गोलंदाज आहे मार्कवर ైడ్ లా చెడు బిర్కా బిగ్ బ్లాస్ట్ షటార్ ఎస్ డిజె जबरदस्त सुरुवात आपण पाहू शकतायत मैदानाच्या आतमध्ये तीन चेंडूंमध्ये तब्बल सोळा धावा या फलकावरती पाहायला मिळत आहेत विस्फोटक सुरुवात आहे आतापर्यंत दोन षटकार लागोपाठ आणि पाठोपाठ पाट बघायला मिळालेत का फायर पाहायला मिळत आहे या वेळेला लगातार बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक तीन चेंडू तीन षटकार सी एम चषक बोईसर यास साहा चिंडु साहा असा आहे, या स्पर्धेमध्ये सहा चेंडू आणि सहा षटकार असा विक्रमादित्य खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि यावेळेला चाफेवाडी चषक या स्पर्धेमध्ये रंग भरण्याचं कार्य आकाश दरे पारगावचा सुवर्ण हिरा या वेळा तलपलाय तो मैदानाच्या आतमध्ये चार चेंडूंमध्ये बावीस धावा या फलकावर फ्लाइंग स्टार्ट मैदानाच्या आतमध्ये सुपर बॅटिंग आपण पाहतोय मानस संख्ये पहिल्या षटकामध्ये महागडा पुन्हा एकदा फुलटा स्वरूपातील चेंडू हे काय घडलंय एक नाही दोन नाही तीन नाही चार चेंडू चार षटकार धन्यवाद डीजे अठ्ठावीस धावा फलकावर काही जबरदस्त क्रमक विस्फोटक जुगरबा सुरुवात आपण पाहतोय अठ्ठावीस दहावा पाच चेंडूंमध्ये चार चेंडू चार षटकार पाचवा येईल का यावेळेला पाच चेंडू पाच षटकार आतापर्यंत केवळ एकमेव असा फलंदाज या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऋषी पाटील मॅन फ्रॉम महाराज फायटर ठाकूर पाडा ज्याने सहा चेंडूत सहा षटकार जे एकंदरीत खेचलेले आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत तीन फेब्रुवारी दोन हजार बावीसच्या दिवसामध्ये दुपारी तीन वाजून सात मिनिटांनी ऋषी पाटील मॅन फ्रॉम ठाकूरपाडा सहा चेंडू सहा षटकार आणि या वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये पाच चेंडू पाच षटकार चंडू, सहा चेंडूंमध्ये तब्बल चौतीस धावा या फलकावर रसिक मायबा प्रेक्षक वर्ग आपल्याला जर पारगावचा सुवर्ण हिरा आकाश तरे याची फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टायमचा गजर करा आउटस्टँडिंग बॅटिंग आपण पाहतोय आदरणीय विक्रम पाटील पारगाव यांकडून आकाश तरे यांच्या या उत्कृष्ट खेळीसाठी पाचशे रुपयांचं रोख पारितोषिक आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये जमा करण्यात आलेला आहे पाच इंटू पाच षटकार बघायला मिळालेत यंदाच्या वर्षामध्ये पाच चेंडू पाच षटकार म्हटलं की अमित प्रभाकर पाटील चहाडे हा खेळाडू आठवतो ज्याने खऱ्या अर्थाने एकंदरीत तीस जानेवारी दोन हजार बावीसच्या दिवसामध्ये चहाडे क्रीडा संकुलामध्ये चोवीस चेंडूंमध्ये शतकी खेळ साकारली आणि हे शतक साकारत असताना त्याने आठ चौकार अकरा षटकार खेचले आणि त्या अकरा षटकारांपैकी दहा षटकार जे होते ते लागोपाठ दोन वेळा पाच चेंडू पाच षटकार त्याने खेचले होते आणि या वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतायत आकाश तरे पाच चेंडू पाच षटकार आऊट स्टँडिंग जबरदस्त फलंदाजाचं प्रत्यक्करण हरीश परदेशी कौतुक करतायत लाईव्ह चॅटच्या माध्यमातून आकाशा खेळाडूचं ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू हवेमध्ये जरूर पाहायला मिळतो एक क्षेत्र रक्षक त्या ठिकाणी अंबिया अशक पुढे सरसावला गेलाय खूप चांगले प्रयत्न बघायला मिळाले तत्पूर्वी धावत संख्या मात्र वृद्धिंगत होत असताना थोडस दडपण आहे बघा पहिल्या षटकात जर चौतीस धावा येत असतील तर बॉडी लँग्वेज चेंज होणं हे स्वाभाविक आहे आणि या त्या अनुषंगाने आपण पाहिलंय गुड शॉटच्या या चेंडूंवर गोलंदाजांची प्रतिष्ठा अक्षरशः एकंदरीत माती मोल आपण पाहतोय पस्तीस धावा फलकावर या वेळेला सहा चेंडू सहा षटकार जोरदार टायचा गजर येऊ उद्या घड्यालामध्ये ऍक्युरेट चार वाजून चाळीस मिनिटे झालेली आहेत आणि हा दुसरा असा फलंदाज चाफेवाडी चष्कामध्ये ज्याने ही कामगिरी करून दाखवलंय जबरदस्त कामगिरी आयुष्यात नेहमी स्वतःचा साधेपणा टिकवायला शिका एक दिवस तोच साधेपणा तुमचा ब्रँड बनेल यावेळेला आकाश तर आहे सहा चेंडू सहा षटकार खेचून ब्रँड बनलाय काही जबरदस्त कामगिरी आधी सीएम चषक बोईसर या स्पर्धेच्या बोई माध्यमातून बघा असे बरेचसे फलंदाज असतील जे आपल्या कारकिर्दीमध्ये एक वेळा सहा चेंडू सहा षटकार खेचतील परंतु आकाश तरी असा खेळाडू आहे ज्याने आपल्या टेनिस क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये दोन वेळा ही कामगिरी करून दाखवलंय हवेला फटका जरूर फसलाय चेंडू हवेमध्ये आहे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पुढे सरसावला गेलाय पहिल्या प्रयत्नात कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर दुसरा प्रयत्न बघा या प्रयत्नांना सलाम करा काही जबरदस्त एफर्ट्स आहेत अप्रतिम स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करताना आपण पाहू शकतायत मिस्टर पूर्वेश दवणे हॅट्स ऑफ यु सलाम असेल काही जबरदस्त ट्राय आउट स्टँडिंग एफर्ट्स मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्नांना सलाम पूर्वेश दवणेला आपण पाहतोय हे प्रयत्न तुम्ही पाहू शकता ऍक्शन रिप्लाय मध्ये वा क्या बात आहे पूर्वेश दवणे मॅन फ्रॉम मनोर या वेळेला फटका फसलाय चेंडू हवेत पूर्वेश पूर्वे एका ने तर दुसऱ्या ने क्षेत्ररक्षक या वेळेला हे काय घडलं गेलंय कॅच ड्रॉप झालाय आणि तुम्ही कुणाचा झेल सोडलाय म्हणतात ना की जंगलामध्ये वाघाची एकदा एंट्री झाले की इतर प्राण्यांचं अस्तित्व धोक्यामध्ये येतं आणि या वेळेला तुम्ही झेल सोडलाय कोणत्या फलंदाजाचा ज्याने सहा चेंडू सहा षटकार खेचलेत आठ चेंडूंमध्ये तब्बल एक्के चाळीस या धावसंख्येवर आ, या आतापर्यंत या स्पर्धेमधील सर्वात वेगवान अर्धशतक जर आपण पाहिलं तर स्वप्नील भोईर मायकोप ज्याने अकरा चिडूंमध्ये पन्नास धावा केल्या होत्या आण आणि यावेळेला आकाश तरे तो रेकॉर्ड ब्रेक करतोय की काय कारण जबरदस्त स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकताय तब्बल फोर्टी नाईन एकोणपन्नास या धाव संख्येवर जाऊन पोहोचलाय दोन षटकांचा खेळ हा समाप्ती अखेर पाहायला मिळतोय आणि दोन षटकांच्या अखेर डब्बल एक्कावन्न धावा या फलकावर सुपर क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये दोन षटकांच्या समाप्ती अखेर फिफ्टी वन रन्स ऑन टू स्कोर कार्ड आपण पाहतोय सुपर क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आणि एक्कावन्न पैकी एकोणपन्नास धावा आकाश तरेच्या बॅटमधून बघायला मिळाल्यात काही क्लास नोका आपण पाहतोय म्हणतात ना की पिंपळाच्या रोपासारखं तुम्हाला खडकावर उगवता आले पाहिजे निर्भीडपणे निर्धास्तपणे निर्धाराच्या वाटेवरती चालता आले पाहिजे वादळांचं काय आहे ती येतात आणि जातात आपण मात्र मातीत घट्ट पाय रोवून उभं राहिलं पाहिजे आणि ही भूमिका आजच्या दिवसामध्ये आकाश तरेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय खरंच दहा छेंडू आणि एकोणपन्नास दहावा जबरदस्त कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या कारकिर्दीमधील अजरामर खेळी साकारत असताना आकाश तरे पारगावचा सुवर्ण हिरा मैदानाच्या आतमध्ये चमकताना आपण पाहतोय दोन षटकांचा खेळ समाप्ती अखेर एक कवड धाबा फलकावर षटक क्रमांक तिसरा आदळण्यासाठी गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर मिस्टर तेजस सज्ज झालाय हे बघा हे इंटेलिजंट क्रिकेट आहे मी कौतुक करेन सचिन गरजचा कारण ठाऊक का आहे आकाश तरी जबरदस्त टचमध्ये आहे वेळेला माझं काम काय आहे तर खऱ्या अर्थाने स्ट्राइक रोटेट करणं क्रिकेटमधील आय दर्शवला गेलाय इंटेलिजन्स क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये याआधी अकरा चेंडू स्वप्नील भोईर जो मायकोप या संघातून बुल बिलॉंग करत होती आणि अकरा चेंडूत अर्धशतक साकारलं होतं आणि अगदी तशीच खेळी दहा चेंडूंमध्ये वैयक्तिक एकोणपन्नास या धावसंख्येवर आपल्या कारकिर्दीतील अजरामर ऐतिहासिक अद्वितीय अग्रमानांकित अग्रगण्य स्वरूपाची खेळी आकाश आकाशतरेच्या माध्यमातून दहा चेंडूंमध्ये एकोणपन्नास अवसंख्येवर या वेळेला जोरदार टाईमचा गजर येऊ द्या आकाश तरे बॅट दर्शवा काय जबरदस्त नॉक अकरा चेंडूंमध्ये पाचशेच्या स्ट्राईक रेटने पंचावन्न दावा धन्यवाद डीजे आकाश तऱेचा चेहरा तुम्ही बघा ऑन स्क्रीन काय जबरदस्त स्माईल अगदी चेहरा फुललेला आहे कारण आज इनिंग देखील तशी त्यांनी साकारलेली आहे आपल्या आयुष्यातील हा सुवर्ण क्षण जगतायत अकरा चेडूत पंचावन्न दाबा सुपर बॅडिंग यावेळेला इन्साइड आऊट चेंडू निघून आलाय आउट ऑफ द पार्क षटकार येस डीजे धन्यवाद डीजे गोलंदाजाच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल की आंध्रे रसेल परवडला पण आकाश तरी नको रे बाबा हे नऊ षटकार या इनिंग मध्ये आपण पाहतोय एकसष्ट या वैयक्तिक धावसंख्येवर बारा चेंडूंमध्ये काही जबरदस्त इनिंग पाहायला मिळालंय पुन्हा एकदा साईडला चेंडू निघून येतोय वन बाउंड क्षेत्र रक्षकाच्या फॅन्स मध्ये अशा खेळाडूंची टेनिस क्रिकेटला आवश्यकता आहे जे स्वतःचं स्वतःच्या पारगाव गावाचं स्वतःच्या कुटुंबाचं स्वतःच्या मित्रांचं स्वतःच्या तालुक्याचं स्वतःच्या जिल्ह्याचं स्वतःच्या राज्याचं नाही आणि या टेनिस क्रिकेटचं नाव मोठं करतील आकाश तरे सलाम असेल खऱ्या अर्थाने टेनिस क्रिकेटच्या खेळाची शोभा वृद्धिंगत करण्याचं कार्य आपण पाहतोय तेरा चेंडूंमध्ये बासष्ट दावा पुन्हा एकदा साईडला या वेळेला चेंडू मात्र निघून आलाय खरबुजे देखकर खरबुजेने रंग बदलाय षटकार धन्यवाद डी जे दे धडक बे धडक दोन्ही फलंदाज मारतायत फटके एकदम कडक नुसतं फोडकाम सुरू आहे धावा दावा सतरा चेंडूंमध्ये फलकावर पहिला बॅट ची जरूर घेतले होते चेंडू निघून जातोय तहार रईस याच्या फॅन्स मध्ये तीन षटकांचा खेळ हा परिपूर्ण झालाय आणि तीन षटकांच्या समाप्ती अखेर एकाहत्तर दावा बघा गेले चार दिवस आपण तीन अंकी धावसंख्या पाहिलेली आहे का असा प्रश्न जर विचारला गेला तर गुणलेखक मात्र आम्हाला सूचित करत आहेत की आत्तापर्यंत तरी आपण ही तीन अंकी धावसंख्या पाहिलेली नाही परंतु हा सामना बघा बारा चेंडू शिल्लक आहेत आणि नोट डाऊन करण्यासारखी गोष्ट की आकाश तरी अजून देखील खेळपट्टीवरती आहे आकाश तरीने जर हे बारा चेंडू खेळून काढले तर ह्या स्पर्धेतील पहिली तीन अंकी धावसंख्या आपण पाहू शकतोय कारण तीन षटकांच्या समाप्ती अखेर एकाहत्तर धावा नाबाद बिनबाद जिंदाबाद सेव्हन्टी वन काही कमालीची भागीदारी आपण पाहतोय एकसष्ट पैकी एकाहत्तर पैकी बासष्ट धावा आकाशच्या बॅटमधून आणि नऊ दावा, दावा सचिन गरजच्या बॅटमधून सॉप सौ, सॉलिड बॅटिंग आपण पाहिलंय आहे ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता पण ठिकाणी खूप छान प्रकारे आपली भूमिका पार पाडतायत कॅमेरा वर्क देखील जबरदस्त आपण पाहतोय आकाश तरेला वारंवार कॅच करतायत सुमित तिवारी मॅन फ्रॉम बोरिवली खूप छान प्रकारचं कॅमेरा वर्क या वेळेला सुंदर सुरेख प्रतिम या मात्र अमेर याचा मात्र हा कमबॅक आपण पाहतोय गुड बॉलिंग सुंदर गोलंदाजीचं प्रत्यक्करण कारण सेट फलंदाजाला अशा प्रकारे बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव स्वरूपात डिलिव्हर करणं साधी सोपी गोष्ट नाही आहे गती थोडीशी कमी दिली आहे आणि टप्पा थोडासा दूर ठेवला या आधीचे सर्व चेंडू आपण पाहिले होते जे एकंदरीत स्लॉटमध्ये दिले होते परंतु यावेळेला थोडासा फेरबदल गुड बॉलिंग यार लवली बॉलिंग क्या बात है एक सेट फलंदाजाच्या विरोधात या वेळेला एक नाही दोन शिफ्ट करून दाखवलाय मेडन ओव्हर बॉयला मिळाली इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं सर्वाधिक मेडन ओव्हर ज्या हाताळल्या गेल्या सतरा एप्रिल एकोणीसशे बहात्तर मध्ये जन्मलेला श्रीलंकन संघाचा कार्य सम्राट महानायक गोलंदाज मुथै्या मुरलीधरण एक हजार नऊशे ब्याण्णव षटक आपल्या कारकिर्दीमध्ये निर्धाव तदनंतर आपण पाहिलं असेल शेन वॉन सारखा एक गोलंदाज एक हजार आठशे एकाहत्तर षटक आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये निर्धाव तदनंतर ग्लेन मॅग्राथ सर काही गोलंदाज आपण पाहिला ज्याने एकंदरीत आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये एक हजार सातशे एकोणपन्नास षटकं जी निर्धाव स्वरूपामध्ये डिलिव्हर केली चौथ्या क्रमांकावर अनिल कुंबळे एक हजार सहाशे पंच्याऐंशी षटक निर्धाव आणि पाचव्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा गोलंदाज शॉन पोलाक एक हजार पाचशे एकाहत्तर षटकं आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये निर्धाव आणि या वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतो टू विकेट मेडन अमेर आव्वारी याच्या माध्यमातून क्वालिटी दर्जाची गुणवत्तापूर्ण गोलंदाजी कशी असावी हे दाखवून देण्याचं कार्य हे बघायला मिळालं म्हणतात ना जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने क्रिकेटच्या विश्वामध्ये तुम्ही हार मांडणार नाही तोपर्यंत येणारा प्रत्येक चेंडूनंतरचा क्षण तुमचाच तुमचाच असतो आणि ते दर्शवून देण्याचं कार्य प्रात्यक्षिक स्वरूपामध्ये अनुभवायला मिळालं क्लास बॉलिंग टू विकेट मेडन गोलंदाज अमेर याच्या माध्यमातून शेवटचं आणि अंतिम षटक आदळण्यासाठी तहार रईसला आपण पाहतो गुलंदाजी मार्कवर लाउड अपील झालंय पंच इंटरेस्टेड नाही आहेत पण पाहू शकता येत ना नाच्या संकेत मैदानाच्या आतमध्ये डॉट डिलिव्हरी या ठिकाणी अनुभवायला मिळाली शेवटचं आणि अंतिम षटक तहार रईस यावेळेला एक एक्सपिरियन्स खेळाडू गुलंदाजी मार्कवर सेव्हन्टी वन एका दहावा लेग ब्रेकचा प्रयत्न परंतु टप्पा चुकलाय ओहो हो काय कमालीचं क्षेत्ररक्षण आउट स्टँडिंग स्टॉप आपण पाहतोय तेजस गुप्ता माध्यमातून डीप स्क्वेअर लेग झोन मध्ये योग्य वेळेला जंप घेऊन चाणाक्ष क्षेत्ररक्षक कसा असावा हे दाखवून देण्याचं कार्य हो। तेजस गुप्ता याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय पहिल्या अठरा चेंडूत धावा आल्या होत्या एकाहत्तर तदनंतरच्या आठ चेंडूत एक धाव आलेले आहे काही जबरदस्त पुनरागमन केलंय टी या सामन्यामध्ये एसआरटी मनोर या संघाने गुड कमबॅक स्ट्रॉंग कमबॅक आपण पाहतोय यावेळेला फुलटा स्वरूपातील चेंडू आहे पुन्हा एकदा तेजस गुप्ता फार वेगाने निघून गेला होता परंतु चेंडू थांबायचं नाव घेणार नाहीये सीमा रेषा पार चौकार चार धावा अत्यंत उपयुक्त बघायला मिळाल्यात स्कोर कार्ड जर आपण त्यापासून पाहिलं फलकावरती फ्लाय होते आहे सेवन्टी सिक्स शहात्तर धावा या फलकावरती बघायला मिळाल्यात शेवटच्या तीन चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक आहे एका साईडने मिस्टर प्रवीण पाटीलला आपण पाहतोय तर दुसऱ्या साईडने समीर विष्णू गरत नॉन स्ट्राइक एंड वर वीर तणाजी पारगाव संघाच्या माध्यमातून शॉर्ट अप्लेनचा चेंडू आहे पूल करण्याचा प्रयत्न लाँग लेग झोन मध्ये चेंडू मात्र सरळ मैदानाला गुदगुल्या करत निघून गेलाय सीमा रेषा पार चे संकेत पंच जगदीश पाटील यांच्या माध्यमातून या ऐकूया एक छोटे शेधून आणि लगेचच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये एट झिरो राऊंड फिगर ऐशी दावा या फुलकावरती आपण पाहू शकत खूप सुंदर पद्धतीने हा चौकार अत्यंत हवा असलेला चौकार आपण पाहिला उपयुक्त आणि निर्णायक चार दावा प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून कफेला या थोडासा टर्न मिळाला आहे गोलंदाजाला हलकीशी मदत लेग ब्रेकच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये अशाच प्रकारे लेग ब्रेक करत असताना सात फेब्रुवारी एकोणीसशे नव्याण्णवच्या दिवसामध्ये अनिल कुंबळे यांनी एकंदरीत पाकिस्तान संघाचे दहा गडी गारत केले तर दोन हजार एकवीसच्या कॅलेंडर इयरमध्ये एजाज पटेल याने देखील जबरदस्त टेन विकेट्स भारतीय संघाचे मूळ मुंबईत जन्मलेला खेळाडू तदनंतर जो एकंदरीत कायमस्वरूपी वास्तव्यास गेला न्यूझीलंडला आणि मुंबईमध्ये येऊन टेन विकेट हॉल दोन हजार एकवीसच्या कॅलेंडर इयरमध्ये इजाज पटेल याच्या माध्यमातून पाच षटकांचा खेळ समाप्ती अखेर झालाय आणि पाच षटकांच्या समाप्ती अखेर एक्क्याऐंशी धावा या, या फुलकावरती बघायला मिळत आहेत एटी वन रन्स ऑन टू दी स्कोर कार्ड विजयासाठी ब्याऐंशी धावांचं टार्गेट हे समोर ठेवलं गेलंय एटी टू रन्स रिक्वायर्ड टू विन काय घडेल आणि काय बिघडेल ते ऐकूया कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये प्रशांतजी आदवडे यांच्या सुमधूर वाणीतून ध्वनी सुद्धा पंचांना विनंती करतोय कृपया करून आपण चहा पाण्यासाठी कृपया करून समालोचन कक्षा समीप या जगदीशजी पाटील तसेच कल्याणी घोरपडे सर यांना विनंती करतोय कृपया करून आपण समालोचन कक्षा समीप उपस्थित राहण्याची कृपा करावी घेऊया एक छोटासा ब्रेक डी जे सुभाष यांच्या माध्यमातून आणि येऊया मैदानाच्या आतमध्ये लाईव्ह ॲक्शनमध्ये हैं और वीर तनाजी पार्गा ने आज इक्यासी रन बनाए हैं तो मधुर की टीम एक बहुत ही सक्षम टीम मानी जाती है मजा आएगा यंग खिलाड़ी बहुत सारे हैं सुमित तिवारी विनंती करते कृपया कर प्रणय पटेल क्षण सा कैद कराएं एस आर टीम मनोर टीम के पास बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं जिनने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है आज कमाल का प्रदर्शन रहा खास करके और अर्धा शतक मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है और आकश तरें आज देखिए दिनेश नागम ने एक अर्धशतक बनाया था अठारह गेंदों में पचास रन बनाते हुए और ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसके बाद में सुप्रील के बल्ले से पचास रन ग्यारह गेंदों का सामना करते हुए जगदीश के नाम पर बिल्कुल अर्धशतक अर्धा शतक हैं पार्थ मोरते मोर्य ने फिलहाल मैदान के अंदर कमाल किया था कल सत्रह गेंदों का सामना करते हुए अट्ठावन बन रन बनाए थे और उसके बाद में सत्रह गेंदों का सामना करते हुए साठ रन बनाए थे अब जाकर मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है इसी एक बल्लेबाज को कम से कम वो चालीस पचास रन बनाने की ज़रूरत है तो इसका मतलब आपको रन भी बनाने हैं और एक बार फिर विकेट भी बचाने हैं क्रिक क्रिक क्रिकेट क्रिक, डोंट थ्रो एवर विकेट विकेट नहीं खोने और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है मैच शुरू होता बा प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं जगदीश और कल्याणी घोरपड़े फिलहाल ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं तीसरे अंपायर के तौर पर आप देख सकते हैं इस वक्त सतीश ग्रूप और मुकाबला शुरू हो रहा है जानता राजा काटाड़ी टीम की बात करें तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में इस प्रतियोगिता में बहुत सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार फिर देखिए ऑन स्क्रीन इनको भी देखिए ऑन स्क्रीन सुरेंद्र तो और ये जोड़ी भी है इस वक्त और सामने से कैमरा आ रहा है सुमित तिवारी कमाल कर रहे हैं तीस गेंदों में बयासी रनों की जरूरत है समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए साइड में पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर उसके साथ डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है स्क्वेयर लेग है दो खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑन साइड पर ऑल लाइट ऑल सेट लेट्स प्ले आकाश ऑफ के बाहर गेंद थी अच्छी तरह से नहीं खेल पाए लेकिन फील्डिंग भी कुछ अच्छी नहीं हुई है दूसरे के लिए वापस आ रहे अमीर ने आज कमाल कर दिया कमाल की गेंदबाजी करते हुए इन्होंने मेडन ओवर डाला है तो क्या वो तीसरा ओवर भी लेके आ सकते थे कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन लेने के लिए और जिस तरह से आज कप्तानी भी है पहले तीन ओवर में रुबा दर बल्लेबाजे आकाश आकाशतरे की इनको रोक नहीं पाए अब के बाहर गए नवा में है गैप में जाती भी गली की तरफ जा रही है इस वक्त बाउंड्री की तरफ ट्रेवल होती हुई पीछे जरूर कर रहे गेंद कहाँ रुकने वाले फुटबॉल ज़रूर खेल रहे हैं फुटबॉल जरूर खेल रहे हैं गेंद बाउंड्री लेके बाहर जाती भी चार रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड फिलहाल इस वक्त आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं मंच की तरफ देखिए मंच में एक बार आयोजन करता है मेहमान बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा मंच है और बहुत बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है फिलहाल ये मंच है हम देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। भी कैच ले सकते थे लेकिन परेशानी यह थी ज्यादा आगे चले गए ज्यादा आगे चले गए इसीलिए ऑस्ट्रियन स्टाइल से लेने का प्रयास किया गया पकड़ो कैच जीत हुए जैसे कि एक बार फिर देखे निशांत शर्मा ने पचास के अंदर कैचेस जोड़े थे उसके बाद में मैकलम ने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रन संख्या एक बार फिर स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर आठ रन बयासी रनों की जरूरत है ओ अच्छी गेंद सुंदर गेंदबाजी का है क्या मुजाहरा पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है और क्या इस पर पैरों को लगी है बिल्कुल पैरों को लगी है विकेट कीपर ने जोरदार अपील की थी अंबर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ओवर बिल्कुल अच्छा साबित हो रहा है आठ रन बगैर किसी नुकसान के प्रज्वल जिनके ऊपर निगाह रहेगी जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की है और सबका दिल जीत लिया था खिलाड़ी है और दूसरी तरफ से बल्लेबाज आमिर अपने के बाहर गेंद थी कबर के ऊपर से कबर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए मच गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन इसकी जरूरत है टिप ऑफ टम के बाहर रखने का प्रयास किया गया था शुक्रिया डीजे इसी गेंदबाज बल्लेबाज की बात करें तो गेंदबाज के तौर पर मेडन ओवर डाला था दो विकेट चटकाए थे अमीर ऑन स्ट्राइक इस बार विकेट के सामने पाए गए ज्यादा ज्यादा थे पर खेलने के कोशिश विकेट विकेट नंबर और आकाश को भी मिला है पहले अर्धशतक और उसके बाद में इस ओवर में बारह रन भी दिए हैं रन संख्या कुल मिलाकर बारह रन एक विकेट के नुकसान पर अमीर बैक टू तो दैवल जाते हुए और सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने वाले एक गाने के साथ वापस आएंगे चर्चा जारी रहेगी तो गुप्त जारी रहेगा इस वक्त शानदार और दमदार खेल मैदान के अंदर हो रहा है पहले ओवर का खेल समाप्त तो होता बा रन संख्या बारह रन एक विकेट के नुकसान पर प्रजल के ऊपर निगाह प्लेयर टू वॉच आउट जब बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन जिस तरह से संघर्ष मैदान के अंदर चल रहा है और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं तारिश बल्लेबाज है तारिश बल्ले इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं फिलहाल अमीर का विकेट जिन्होंने बारह रन बनाए थे अच्छी पारी खेल रहे थे ज्यादा एक्रॉस चले गए थे और उसके कारण विकेट गिरा है विकेट के सामने पाए गए सचिन घरत इस वक्त गेंदबाजी करेंगे फिलहाल अपने बोलिंग पार्ट पर तैयार है और जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी छोटे कद के बल्लेबाज है लेकिन हर तरह का शॉट वो खेल सकते हैं फ्रंट फुट पर खेलते हैं बैक फुट पर खेलते हैं लॉफ्टर शॉट खेलते हैं फूल करते हैं स्क्वायर कट करते हैं कवर ड्राइव लगाते हैं वो खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रज्वल ये देखिए छोटा तीर वार करे गंभीर छोटा प्याक बड़ा धमाका फिलहाल इस वक्त मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का प्रज्वल आइए चपल हुए थे पैरों की तरफ गेंद थी भाप लिया था टाइमिंग बेमिसाल है और बल्ले के बीचों बीच भी खेलते हुए जब गेंद एक बार इनके बल्ले को लगी थी तभी पता चला था छे की मोहर लगाते हुए गेंद को भेज दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शनीय प्रज्वल है इरादा स्पष्ट है इस के वक्त के के अगर देखें तो एक अच्छा मैच है कड़क मुकाबला यह भी होगा मैदान के अंदर बल्लेबाज ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सचिन तैयार स्वैग से करेंगे स्वागत फिलहाल आप देख सकते हैं स्वैग से स्वागत होता बा चिक्की के साथ स्वागत होता बा बल्लेबाज प्रज्वल की तरफ से सचिन का सचिन कर रहे। पर बल्लेबाज प्रज्वल छह पर बल्लेबाज कर रहे था जिन्होंने खाता नहीं खोला है फील्डिंग इस वक्त अगर देखिए तो इस वक्त फ्लाइंग स्ट्रिक पर खिलाड़ी पॉइंट पर खिलाड़ी है कवर पर खिलाड़ी कवर पर खिलाड़ी है मिडॉप पर खिलाड़ी है पावर प्ले का दूसरा ऊपर प्रगति पर है बैक जाके पंच किया सुंदर फील्डिंग बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े पंच की जरूरत है और इससे पहले इन्होंने जो बल्लेबाजी की थी पॉइंट की तरफ अच्छे स्टॉक रहने के लिए थे कवर की तरफ से एक बार फिर इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले थे एक बार फिर डांसिंग डाउन द विकेट भी आए थे शपल हुए थे बहुत सारे शॉट इनके पिटारे में है मज़ा आएगा सचिन अभी तक दो तो मैं सात रन खर्च करते हुए रन संख्या 19 एक विकेट के नुकसान पर रज्वल सात पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दो गेंदों का सामना करते हुए आप देख रहे हैं तापे चषक 2022 हजार ओहो सुंदर गेंद थी ब्रोकोल में खोद के निकाला ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है अच्छी फील्डिंग करते हुए और इसी के साथ सिंगल आता हुआ दूसरी इनकी तरफ जाते हुए डगआउट में तालियां बजाना तो चाहते हैं खास करके इस वक्त आप देख सकते हैं समर्थन है बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए एस आर टी मनोर एक अच्छी टीम है बीस रन एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सचिन तग्यार हैं इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया हवा में गेंद है गैप में जाती भी पीछा जरूर कर रहे गेंद गेंद्रॉडी लैंग की तरफ जाती भी और आउटफील्ड पास चार रन तालियां बज रही है एक बात का बैंड गेंद बार फिर बॉडी बाहर जाती भी चार रनों के लिए कदमों का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे डांसिंग डाउन द विकेट डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास किया गया था लेकिन टिप ऑफ के बाहर था बल्ली के ऊपर एक बार फिर वो अच्छी गेंद चढ़ी नहीं थी और चली गई गली की तरफ बॉन्डी लाइन की तरफ जाती भी पे बड़ी चषक दो हजार बाईस आप देखते हुए कुल मिलाकर चौबीस रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल के अंदर जारी है प्रज्वल ग्यारह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं एक रन बनाया है सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद वो अच्छी गेंद है बहुत बढ़िया गेंद लेकिन इस वक्त शॉट अच्छा नहीं है सॉफ्ट डिस्मिसल बल्लेबाज इस वक्त प्रज्वल बैक टू द दैबलन जाते हुए ग्यारह रन बनाए तीन गेंदों का सामना करते हुए अच्छा खेल रहे थे लेकिन इस वक्त जो थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी इस गेंद के ऊपर प्रहार करने की जरूरत थी ताकत लगाने की जरूरत थी जोर लगाने की जरूरत थी ज्यादा एक बार पे जोर नहीं लगाया और इसके कारण परेशानी हुई है मिडॉपर खिलाड़ी मौजूद है इनके गोदी में गिन जाते भी ट्वेंटी फोर पर टू नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अंबिया शेख मैदान के अंदर एक जो घमासन होना चाहिए था लग रहा था कि प्रज्वल लेकर बड़ी पारी खेलेंगे उसी वक्त इनका विकेट गिरा है और सचिन गहवत को विकेट मिला है इस वक्त ब्रेक थ्रू की जरूरत थी क्योंकि दबाव बन रहा था ट्वेंटी फोर पर टू बयासी रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और अंबिया मैदान के अंदर एक तरफ तहा है और इस ओवर की कहानी देखिए चक्का सिंगल सिंगल चौका और विकेट है निर्णायक गेंद इस ओवर की

तहा एक पर फिलहाल रन संख्या देखिए तो दो तो ओवर का खेल समाप्त तो होता बा तीस रन बने हैं अभी भी मैच बना हुआ बा अठारह के तुम्हें बावन चे मैच बन सकता है जिंका मटल तो योग्य तुबे योग्य तो पत्ता बाहर का गरजे चत वेल चुकन गले तो हुक्मा से एक के सुधा पाया जाता है करण रेंडेट की बात करें तो करण रेंडेट बहुत अच्छा है पंद्रह का है आखिरी विकेट की बात कर तो प्रजवन ने ग्यारह रन बनाए और बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन एक जो ऑफ के बाहर वाली गेंद थी समझ नहीं पाए आगे के लिए पीछे के लिए बड़ा शॉर्ट खेले थोड़ा दुविधा में रहे थोड़ी आशंका आई और उसके कारण मिड ऑफ पर एक आसान कैच दिया खास करके प्रजबल ने नाउ रिमेनिंग एंड फिफ्टी टू रन टू विन दिस मैच बिसमेंट डेट बिल्कुल सत्रह के ऊपर का है गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं है आकाश तरे गेंदबाजी करने, करने के तैयार था ऑन स्ट्राइक तो, तो भाई ज्यादा नहीं जाना चाहिए इसके बाद में इंतजार कर रही है राजा की टीम पर तीन खिलाड़ी दायरे के अंदर दो खिलाड़ी बाउंड्रीन पर रखे हुए हैं डीप स्ट्रा कवर और लॉन्ग के बाहर गए थे खिलाड़ी तैनात है ले लिया कैच आकाश का दिन है इस पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सुभाष जी एक बार फिर गाना लेके आएंगे विकेट नंबर त्रीन पर ने को गैदर किया रन के संभावना को निरस्त किया तीस रन तीन विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों का खेल से बावन रनों की जरूरत ओहो लाजवाब गेंदबाजी आकाश तरे वारे वारे आपके वारे न्यारे चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो कमाल है चालीस पास साल है बेमिसाल है कमाल है बेमिसाल है बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से खेल मैदान के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ाया एक बार फिर दर्शक दीर्घा में लैंड होता था कल एक शाम के समय में हेलीकॉप्टर उड़ गया था आज एक बार शाम के समय में हेलीकॉप्टर उड़ गया दर्शक दीर्घा में लैंड होता सुंदर स्टॉक गेंद भावने के बाद शरण शुक्रिया शुक्रिया डीजे देखिए किस तरह से थोड़ा सा एक कदम बाहर की तरफ लेके गए और महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल इस गेम को उड़ाया हेलीकॉप्टर उड़ गया है और लाजवाब स्ट्रोक बेमिसाल स्ट्रोक है फंटस्टिक बैटिंग फंटस्टिक स्ट्रोक बैट्समैन अब यह बारह पर कहते हैं पूर्वेश ने खाता नहीं खोला लेकिन एक तरफ अगर देखे तो दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल होने की जरूरत है फिलहाल अगर देखे चार गेंदों का सामना करते हुए दो स्ट्रोक अच्छे खेले हैं ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था शाम के सत्र का आकाश तरी अभी तक एक दशमलव चार ओवर में गेंद में खराबी नहीं थी लेकिन कमाल का स्ट्रोक था अब हमें लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है और गेंद ट्रैवल हो रही थी शानदार कैच आकाश तेरे के लिए तीसरा शिकार आकाश आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार आकाश ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार

गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तो बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए अमन शेख स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात करें तो फिलहाल अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर गेंद है सौ सौ नार की एक लोहार की चारों खाने चित करते हुए विकेट गिरने का सिलसिला जारी है आकाश के लिए चौथा शिकार शुक्रिया डी जे ये भगवान एक बार फिर देखे तो कीमती घड़ी सबको दे लेकिन मुश्किल वाली घड़ी किसी को ना दे जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है छत्तीस पाँच विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में एक बार फिर देखे तो कमबैक करने के लिए किसी एक बल्लेबाज को आखिर तक खेलने की ज़रूरत है छत्तीस पाँच विकेट के नुकसान पर तो इसका मतलब ये श्री कृष्ण भी देखे करीब से देखिए कृष्ण लीला की जरूरत है चापेबाड़ी चषक दो बाईस आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन ये कृष्णा देखिए महाभारत में कृष्णा नहीं होते तो अर्जुन नहीं जीतते एक बार फिर महाभारत में एक बार फिर एक जो कि बहुत बड़ा पल था जिसमें अर्जुन को एक बहुत बड़ी कहानी कृष्णा ने बताई थी और जाकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए कौन आ रहा है साहिल साहब के और गेंदबाजी करने के लिए कौन आ रहा है कृणाल अभी तो मैंने कृष्णा की बात जेवन मात्रे भी कमाल कर रहे इस वक्त हमारे कॉम्पॉक्स के सामने हैं है पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार के बाद के बाहर जाते हुए गेंद चग्गू व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं बारह गेंदों का खेल जैसे जीतने के लिए पैंतालीस रनों की जरूरत है टारगेट बयासी रनों का है करंट रन रेट बिल्कुल अब देखिए तो ग्यारह दशमलव तीन सात का है लास्ट विकेट अमन का Purvish or Sile, Maidan Andar. Sile on strike. Oh, that's a very good delivery. Beautiful delivery from the bowler. Just pitching out of the off that Has been coming onto the front foot looking for that on-drive. Beating completely ball-going behind the bucket and they can be no run. Now, remaining 11 deliveries and need a 45 run to win this match, win this battle. Fantastic bowling by Krunal. ऑफ्टम के बाहर गेंद थी हवा में है गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं छोड़ दिया कैच बहस तो बहुत अच्छा किया गया था इस वक्त अगर देखिए तो गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते भी अब कितने रन दो या तीन इस वक्त थोड़ा ऑफ ऑफटम के बाहर गेंद थी गेंद की तरफ तो आना तो जरूर चाहते थे लेकिन फिलहाल अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर थोड़ा सा शरीर से दूर खेलते हुए यहाँ से रन संख्या कुल मिलाकर चालीस रन पाँच विकेट के नुकसान पर बयासी रनों की जरूरत है और अब दिल्ली बहुत दूर है बल्लेबाजों के लिए ओह कट करना चाहते थे टिपा थोड़ा ऑफ टम के बाहर ही है इस वक्त अच्छी गेंदबाजी बल्ले का अनुरी किनार लगा और गेंद चलेगी फाइनल क्षेत्र की, की तरफ थीमा खेल है ऐसा टीम मनोर के पास कोई एक्सपीरियंस कैम्पिन ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस कैम्पिन नहीं है लेकिन जिस तरह से आज आकाश तरे ने गेंदबाजी की है विपक्षी टीम के लिए या बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए बहुत दिक्कतें पैदा की हैं अब हमें है ऊपर जाती भी लॉन्गॉन की तरफ आकाश तरे, आकाश तरे वारे वारे आपके वारे न्यारे चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाजी हो चाहे एक बार फिर फील्डिंग हो कमाल का खेल उनकी तरफ से रहा है यश के ऊपर हमला पहली गेंद पर अगर देखे तो ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन ये गेंद स्लॉट में थी सुंदर तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते फ्रॉम द बोलर जस्ट पिचिंग आउट ऑफ बहुत अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज स्क्वेली की तरफ लेके जाना इस गेंद को भी आपको वी में ही खेलना था अगर आप वी में नहीं खेलेंगे तो वाइड यॉर्कर डालने का जो प्रयास हो रहा था उसको आप टैकल कर सकते थे लेकिन दोस्तों अगर मगर से क्रिकेट का होती है तीन गेंदों में जीतने के लिए अट्ठाईस रनों की जरूरत गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार थी लेकिन मन बना के खेल रहे हैं अगर फुल टॉस तो इसको भी आपको सीधे ही बल्ले से खेलना था आधे बल्ले से की तरफ एक बार लेके जाना चाहते थे एक अच्छा स्ट्रोक था ओवर पिच गेंद के ऊपर उसके बाद में अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है चौबन छह विकेट के नुकसान पर है तो इसका मतलब वीर तानाजी पारगाव के जो खिलाड़ी बहुत खुश जिन्होंने आज रन भी बनाए हैं अब गेंदबाज डिपेंड कर रहे हैं थोड़ा सा अलग ये गेंद थी बल्लेबाज नहीं समझ पाए हैं तो इसका मतलब बल्लेबाज साहिल को बैक टू दैबल जाना पड़ेगा और एसआर टी मनोर के उम्मीदों को लगता हुआ बहुत बड़ा बहुत बड़ा झटका अब साहिल डिपार्ट कॉन इस वक्त अगर देखें तो जीत की सुगंध आ रही है फिफ्टी फोर सेवन विकेट सुपर बॉलिंग बाई ओहो सीधे बल्ले से एक बार फिर खेलने का प्रयास लेकिन फुटबॉल नहीं है गेंद के नीचे इस वक्त विकेट की बार हारे लेकिन यह मुकाबला शानदार तरीके से आज जीत लिया है बीर तानाजी पारगाव टीम ने एस आर टी मनोर ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि तीन ओवर में रन बहुत ज्यादा आते थे उसके बाद में अच्छा ओवर था खास करके अमीर की तरफ से और इस मुकाबले में अब बताने की जरूरत नहीं है जिन्होंने चक्के चौकों की बहुचार करते हुए सबका दिल जीत लिया है और प्रतियोगिता का एक जबरदस्त अर्धशतक इनके नाम पर है सत्रह गेंदों का सामना करते हुए बासठ रनों की एक जबरदस्त सर्वश्रेष्ठ इनिंग इनकी तरफ से आई है और